यूपी के मुजफ्फरनगर रेल हादसे में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 के करीब लोग घायल हैं। हादसे में बड़ी लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाने की वजह से हुआ, क्योंकि ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था और सावधानी का कोई बोर्ड तक नहीं लगाया गया था। जी न्यूज से बात करते हुए खतौली के स्टेशन मास्टर ने दावा किया है कि उसने ट्रैक के मरम्मत की कोई इजाजत नहीं दी थी। जिस स्टेशन के पास हादसा हुआ वहां उत्कल एक्सप्रेस की कोई स्टॉपेज नहीं थी, लिहाजा ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, 105 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब की रफ्तार से यह ट्रेन दौड़ रही थी। ट्रेन को अचानक ब्रेक लगाकर रोकने की कोशिश की गई क्योंकि ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा था और यह मरम्मत का काम होते हुए ड्राइवर ने शायद देखा होगा और इसीलिए ट्रेन में ब्रेक लगाने की कोशिश हुई होगी और इसी वजह से ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतर गई। उसके बाद की यह तस्वीर देखिए, यह हादसे वाली जगह की तस्वीर है और यह तस्वीर इससे कहीं ज्यादा भयावह और भयानक नजर आ रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। अब इन बोगियों को हटाने का काम किया जा रहा है जो इस ट्रैक पर पड़े हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे घटनास्थल से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त वहां से कोई अपडेट, कोई खबर, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए विद्या, फिलहाल यहाँ पर ट्रैक को खाली किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये ट्रैक बाधित है, इस पर आवागमन ट्रेनों का रुका हुआ है क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था, इसलिए ज़्यादा वक्त लगा। सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी टाइम लगा लोगों को निकालने में और अस्पताल तक पहुँचाने में, और उसके बाद आज सुबह से यहाँ पर ट्रैक खाली करने की प्रोसेस पूरी शुरू की गई है। और फिलहाल जो बोगियाँ हैं आप तस्वीरों में देख रहे होंगे उन्हें रेलवे लाइन पर से हटा दिया गया है। लेकिन विद्या, यहाँ पर बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है और किसकी लापरवाही से 23 से ज़्यादा मौतें यहाँ पर हुई हैं मुजफ्फरनगर में। और अगर हम पड़ताल की बात करें तो जी न्यूज़ लगातार ग्राउंड जीरो से इस बात की पड़ताल कर रहा है कि आखिर किसकी लापरवाही है, किसकी वजह से इतने लोगों की जाने गई और किसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे की लापरवाही है और समन्वय की बहुत भारी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। क्या गैंगमैन इतने छोटे पद पर होते हैं, क्या वो सिर्फ अपनी सहमति से रेलवे ट्रैक की मरम्मत करेंगे? ये बात मेरे गले से नीचे नहीं जा रही है। और रेलवे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर है खतौली के, उनका ये कहना है कि उनके पास अर्जी आई थी कि वो रेलवे की पटरी की मरम्मत करना चाहते हैं पीडब्ल्यूआई की तरफ से, लेकिन रेलवे स्टेशन मास्टर ने कहा कि उन्होंने मना कर दिया कि व्यस्ततम रूट है, मैं अभी इजाजत नहीं दे सकता हूं। क्या बिना स्टेशन मास्टर की इजाजत के यहां पर पटरी की मरम्मत का काम चल रहा था? यह एक बड़ा सवाल है। और क्या यह सब कुछ स्टेशन मास्टर की संज्ञान में था? स्टेशन मास्टर अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? तो ये दोनों चीजें यहां पर एक जांच का विषय है। लेकिन लापरवाही सिर्फ और सिर्फ रेलवे की तरफ से है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की जान गई और इसमें अधिकतर विद्या श्रद्धालु थे क्योंकि सोमवती अमावस्या नजदीक है, गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे, अलग अलग राज्यों के लोग इसमें बैठे हुए थे, साधु संत इस ट्रेन में मौजूद थे, तो वो उन लोगों को भी काफी चोटें पहुंची हैं विद्या।